हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डैश ऑफ डेलिश। इंडिया में जब भी हम स्ट्रीट फूड की बात करते हैं तो हम पाव भाजी को तो नहीं भूल सकते, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाव भाजी की रेसिपी। पाव भाजी बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेंगे पाव, चॉप किए हुए अनियंस, चॉप किए हुए टमाटो, बारीक कटे हुए कैरेट, बारीक कटे कैप्सिकम, यहाँ मैंने कॉलीफ्लावर के बड्स लिए हैं, नमक, कश्मीरी मिर्च पाउडर, पोटैटो, रिफाइंड ऑयल, बटर, पाव भाजी मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट और क्यूमिन सीड। भाजी के लिए हम सबसे पहले भाजी के वेजिटेबल्स को बॉईल कर लेंगे। कॉलीफ्लावर, के बाद हम डालेंगे कैरेट, कैप्सिकम इज मस्ट, और आलू। हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून सॉल्ट यूज करेंगे और पानी डालकर इसे बॉईल होने देंगे। हम पानी मिनिमम डालेंगे। अब हम अपने कुकर को बंद कर देंगे और 2 से 3 सीटी का इंतज़ार करेंगे। बाय द टाइम हमारा सब्जी बॉईल होता है तब तक हम भाजी के मसाले को रेडी करेंगे। इसके लिए हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, 2 टेबलस्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल। में हम ऐड करेंगे क्यूब्स ऑफ बटर, इसमें हम ऐड करेंगे क्यूमिन सीड 1 टीस्पून और इसे चलाएंगे। इसके बाद हम अपने चॉप किए हुए प्याज को ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, हम 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए टमाटोज, नमक, कश्मीरी मिर्च, और पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला हम अभी 1 टेबलस्पून ही यूज़ कर रहे हैं। हम जब सब्जी ऐड करेंगे उस समय पाव भाजी मसाला और ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाव भाजी का भाजी हमेशा ही बटर के बिना इनकम्प्लीट रहता है, तो हम इसमें और बटर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा सब्जी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है इसे ड्रेन कर लेंगे और फिर सब्जियों को मैश करेंगे। हमने अपने वेजिटेबल्स को मैश कर लिया है। वेजिटेबल्स में आलू हमारा बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। अब हम इसे अपने पाव भाजी मसाला में ऐड करेंगे। अब हम अपने वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे, इसे मीडियम आंच पे पकने देंगे। 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला और ऐड करेंगे।
स्वाद अनुसार नमक, नमक हम कम ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने बटर भी ऐड किया है, और हाफ टीस्पून कश्मीरी मिर्च, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम और बटर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे फिनिश करने के लिए कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। हमारा पाव भाजी मसाला रेडी हो चुका है, अब हम पाव को सेकेंगे। 2/2 में कर लेंगे। पाव को सेकने के लिए सबसे पहले रिफाइंड ऑयल 1 tablespoon ऐड करेंगे, और उसमें ऐड करेंगे बटर। और हम अपने पाव को अब सेक लेंगे। अब हमारा पाव भाजी रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।